Alo. Me filmeo. पहले आ जाओ लोग, फिर मैं जरा बोलती हूँ स्टैंड के बारे में कुछ तो। इधर हेट नहीं मिलेगा तुम लोग को क्या? रेप थ्रेट नहीं मिलेगा क्या? पहली बात तो स्क्रीनशॉट शेयर करने के पहले से भी मेरे को हेट मिला था कि मेरे को मजबूर होना पड़ा स्क्रीनशॉट डालने को, क्योंकि उसके साथ उसका 1 मिलियन था, मेरे साथ मेरे 2,000 लोग थे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरे को मजबूर करना पड़ा। अगर मेरे को स्क्रीनशॉट वगैरह डालना ही था, मैं लिटरली 4 महीने में कभी भी डाल सकती थी। मैं तो पहले दिन से स्क्रीनशॉट लेके रख रही थी, क्योंकि मेरे को पता है इधर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उसका जो दोस्त था, 10 साल का दोस्त लाइव मोनू, उसने मेरे को बताया था कैसा है क्या सीन है, ठीक है। बट मेरे को भरोसा था अल्ताफ पे, स्टैन, AKA स्टैन। आ जाओ पहले, आ जाओ, समझ रहे ना तुम लोग। हम लोग थे रिलेशनशिप में, इतना ही बात खत्म। अगर कुछ होता है नॉर्मली, क्या होता है, प्रॉब्लम वॉब्लम आते हैं बीच में, बात करके सॉल्व करते, खत्म भी करना है बात करके खत्म करते। इधर क्या हुआ, इंसान भागा, भागा ही नहीं, चीट किया, प्रूफ मिला मेरे को। उसके बाद भी मैंने बात करने का ट्राई किया, बट वो भागा प्रॉब्लम से, समझ रहे। उसका मैनेजर वगैरह उन लोग सब भागे मेरे से, ठीक है। कि मेरे को मजबूर होना पड़ा कि भाई डाल, मेरे को स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। मैं तुम लोग का कमेंट नहीं पढ़ने वाली हूँ जो तुम लोग नीचे डाल रहे, रंडी छिना लिए, वो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, सॉरी, बस हो गया। बट इतना भी इंसानियत नहीं है वो बंदे में। भागा तो भागा, चीट किया तो किया, उसको सब पता है इधर कितना हेट मिल रहा है मेरे को, कितना रेप थ्रेट मिल रहा है, कितना क्या मेरे को हेट मिल रहा है। फिर भी वो लाइव आके ये बोलता है क्या कि तुम लोग फैन लोग बहुत सही कर रहे हैं, वो अंगार में मिर्ची डाल रहा है, वो जो भी कर रहा है मिर्ची डाल रहा है वो, और थोड़ा भी इंसान एल्बम डाल के उसमें ज़र्रा भी इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, समझ रहे तुम लोग। ये गैंग साइन बाहर चलता है बोला उसने, वो मेरे को मिलके शॉक हो गया कि तुमको गैंग साइन आता है। उसको जो नहीं आता है वो मेरे को आता है, समझ रहे। उसको खाली ये आने का, पहले बाद में सीखा वो ये सब। पुणे में और लोग हैं जिनको फेम नहीं मिला, उनको स्टैन से भी ज्यादा नॉलेज है, जो आएंगे ऊपर देखना तुम लोग, बस टाइम। स्टैन नहीं उसका नाम, ट्रेंड सेटर है उसका नाम, सुन लो ध्यान से, ट्रेंड सेटर। क्या बोलता है लाइफ में, तुम लोग को अगर मैं भगवान बन के पास्ट भी दिखा दूँ ना कि देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ, तुम लोग इतने अंधे हैं कि तुमको दिखता ही नहीं है। तुम लोग बोलेंगे नहीं भाई, स्टैन भाई ही सही। तुम लोग को प्रूफ भी दे दिया मैंने, सब कुछ दे दिया, कॉल रिकॉर्डिंग, उसका घर का एड्रेस दूँ, दादर स्टेशन की 4 मिनट दूरी पे एड्रेस दू दू किंग सर्कल, किंग स्टैटू करके डालो गूगल मैप पे, ठीक है। वही बिल्डिंग के अंदर दादर किंग स्टैटू, वो बिल्डिंग के अंदर ढूंढो कौन से फ्लोर पे। उसके मैनेजर का एड्रेस दू जू में,
सारा कॉल आया, लोग को खबर पड़ गई, मैं लाई भाई एड्रेस वेड्रेस दे रही हूँ तो कॉल आ गया मेरे को। तो लोगों को खबर वबर पड़ गई कि मैं एड्रेस वड्रेस दे रही हूँ तो कॉल आ गया मेरे को। तो सुनो, जू में रहता उसका मैनेजर, जाओ घर पे, फैर हो ना तुम लोग, जाओ घर पे उसके। इतना बोल रही हूँ मैं तुमको, मैंने उसको कभी हेट नहीं दिया, उसने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। आसान एल्बम इसका इतना, मैंने 4 महीने पहले सुन लिया था उसका एल्बम, मेरे को इतना अच्छा लगा था ना, मेरे को बहुत वो हो रहा था कि फक क्या आर्टिस्ट है, गाड़ी नहीं चल रही मेरी, उससे भी अच्छे लोग हैं पुणे में। 4 बेड़ा 4 शे संभाटा था डॉन, उन लोग का ऑफ ट्रिप है, बट मैं हक से बोलती हूँ उन लोग असली आर्टिस्ट क्या। बट इंसान रह के उसको दिखा हेट, भागा तो भागा, हेट दिख के भी उसने क्या बोलते वो कर दिया, मिर्ची लगा दिया उसने। थोड़ा भी वो नहीं है उसमें कि लड़की है, मतलब ऐसे ऐसे धमकी उमकी आ रही है, मेरा एड्रेस पता चल गया लड़के लोग को, छपरी लोग को, ज़रा मतलब थोड़ा कुछ तो बोले, वो नहीं किया उसने, उल्टा ये बोला कि भाई ऑपोजिट गलत। इतना मैं लिख के दे रही हूँ क्या बोलते हैं इंडिया में मम्बल, उसके वजह से पता चला रहेगा मेरे को, क्या पता चला रहेगा, मैं तो उसके पहले से लिख रही हूँ। बट एक ही लाइन बोलूँगी तुम लोगों को मैं बार बार, हर बार ये कि एग्जाम्पल टूपाक था, उसको अपन ने वर्शिप किया, भगवान समझा, वो आया गया, हिप हॉप को हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया उसने हिप हॉप से। बट नए आर्टिस्ट आए, तुम्हारा एमसी स्टैन आया ना, वैसे नए आर्टिस्ट आएंगे, समझ रहे तुम। मेरे को प्रमोशन वमोशन नहीं करना था, ये गाना मैंने ना पहले से लिखा था, स्टैन को भी मैंने सुनाया ये गाना, समझ रहे तुम। स्टैन और मेरा म्यूजिक के रिलेटेड बहुत बात हुई, हम लोग म्यूजिक के रिलेटेड ही बात करके हम लोग का जो भी हुआ ग्रोथ, समझ रहे तुम। इतना ही, बहुत छोटी बात है, दैट इज इट, इतना मैं बोल रही हूँ। उसका तीसरा एल्बम जो आएगा ना, वो भी तड़ी पार की तरह रहेगा, क्योंकि वो जेल में रहने वाले हैं, उसने बहुत गलत किया। उसके छपरी फैंस तो हेट दे रहे तो दे रहे, उसने उसके बीच में वो छपरी का जो मेन क्या बोलते लीडर ने माचिस का वो जला के भाग गया, वो हट गया बाजू से गलत गलत बोल के। ऐसा भी नहीं कि हेट मत दो, इवन दो मैंने अगर घात किया रहता, मैं एज एन आर्टिस्ट, अगर मेरे कोई और आर्टिस्ट को कोई इतना ऐसा कर रहा है, हैरेस कर रहा है, मैं इतना तो बोलती हूँ भाई हेट मत दो किसको इतना, स्पेशली अगर लड़की, जेंडर मैटर नहीं करते, इंसान मैटर करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे तुम इंसान हो, ज़रा इज्जत रखो। माँ ने सिखाया नहीं क्या तेरी, इंसान एल्बम लिखा, शैतान ने इंसान का एल्बम लिखा। मैं तो लिटरली, मेरे को उसका एल्बम इतना अच्छा लगने का, देखो बोलने का ना मैं कि फक उसके एल्बम के लिए, रुक क्या भारी एल्बम है, छी एल्बम मेरे को इतना, मैंने तो 4 महीने पहले सुना, पहले दिन में मैंने उसका अनरिलीज पूरा एल्बम सुना, पूरा 4 महीना मैंने वही सुना। बट एंड ऑफ द डे पूरा लिरिक ही नकली, क्या बोलूँ मैं, मेरा जो एक्साइटमेंट था सब खत्म, नकली। थोड़ा भी उसमें ये नहीं है कि चलो एक्स तो एक्स, जबकि ब्रेकअप की बात हुई भी नहीं, एक्स तो एक्स, बट कम से कम एक्स के लिए रिस्पेक्ट तो, कि इसको इतना हेट मिल रहा है, थोड़ा तो वो रहता है ना कि हाँ चलो अगर एक्स भी है तो इसको इतना हेट मिल रहा है, ज़रा ये कर दो, मतलब कि भाई किसको भी, ऐसा भी नहीं बोल रही कि मेरा नाम लो, ऐसा बोल दो ना कि भाई हेट मत दो किसको भी, बट उसने क्या किया तुम लोग को पता है। मैं कमेंट वमेंट नहीं पढ़ रही हूँ तुम लोग का, मैं इधर रंडी चुनाल सुनने को नहीं आई हूँ, ये तुम लोग आओगे यूट्यूब पे जब जाएगा, 2 साल बाद तुम लोग मेरे को ही माफ़ी मांगोगे, ये मैं लिख के दे रही हूँ। एक केला वेला डालते रही माँ के गांड में, इधर नहीं, गैंग्स एन ऑफ ट्रिपा ये सब ना, ये सब स्टैन को अच्छे से मालूम है, मेरे को भी मालूम है, ठीक है ना, उसको हल्के में मत लो,
एक शी डॉन वाई जी चल रहे पहले से, स्टैंड के वैसे नहीं आया जैसे मेरा गाना आने वाला था ना, ये सब एनीवे आने ही वाला था मेरे को, जो भी आ रहा है अभी। स्टैंड के सामने पोस्टर वोस्टर बने हैं, स्टैंड को पूछ पूछ के कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट पोस्टर बने। मैं किसी का प्रमोशन वमोशन नहीं कर रही हूँ, स्टैंड नहीं हूँ मैं कि 20 लाख पैसा है तो जाके वो एडवर्टाइजिंग करूँ, हुडिंग करूँ, ऊपर पोस्टर डाल दूँ 20 लाख दे के। करने के लिए कर सकती हूँ, पैसे बहुत है मेरे पास, गिनने वाले नहीं है बस। 20 लाख लगता है अंधेरी वेस्ट में, 25 लाख लगता है पोस्टर डालने को ऊपर। ये सब मैंने ट्राई किया था पहले तो। मैं नहीं करती ना ऐसा कि भाई सुनो सुनो मेरा गाना सुनो, ये देखो मेरा पोस्टर ऊपर, देखो मेरा गाना सुनो, ऐसा नहीं है। सुनने वाले आके सुनेंगे, देखने वाले देखेंगे ऐसे कि तुम देख रहे। मैंने बोला है कि तुम लोग को मैं लाइव आई, तुम लोग आए ना, मैंने डाला क्या स्टोरी में, प्लीज़ आओ, पोस्टर डाला क्या मैंने आज के शी डॉन वाई जी लाइव जाएगी, तुम लोग आए ना तो ऐसे सुनने वाले सुनेंगे। बाकी जाने वाले को जान दो, आने वाले को आने दो, क्या हेट हेट हेट, किधर गया प्यार। इवन दो चलो वो अगर ऐसा भी है कि वो जानता ही नहीं मेरे को, उसको इतना दिख रहा है ना, मेरे को हेट मिल रहा है इतना उसके नाम पे, एज एन आर्टिस्ट वो नहीं बोल सकता इतना कि भाई ये लड़की को हेट मत दो। बस इतना ही, उसका लाइव देखा मैंने अभी, इतना ही बोलूँगी मैं, इतना क्या बहुत है बोलने को, बट वो लाइक ही नहीं है, मैं जितना बोलूँ कम पड़ जाएगा। बाकी ये सब उसका नकली है, जिलियनर करके है एक, सर्च करो इंस्टा।